वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर फुटबॉल प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच 10 बजे, एंड वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक आधी टीम ओपन ज़रूर आएगी रात की, तो जुड़ जाओ यहाँ पर फटाफट। जो भी टीम ओपन आएगी आपको मैच से 10 मिनट पहले आ जाएगी, जिसमें आप आराम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाएँ और टीम लगा पाएँ। उसके बाद हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो क्रिस्टल पैलेस और मैनचेस्टर यूनाइटेड में वी हैव टू फेवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन एक बात सुन लो, लास्ट सीज़न यूनाइटेड की जो रैंक थी वो टॉप 5 से बाहर थी, और जो भी अगर वो 8वें 9वें रैंक पे थी उससे 2 पॉइंट दूर ही सिर्फ क्रिस्टल पैलेस थी। मतलब बिल्कुल बराबर थी भाई लास्ट सीज़न ये दोनों टीमें एक जैसा थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है यूनाइटेड का, यूनाइटेड इनसे हारी थी लास्ट सीज़न, पता है कितने स्कोर से, 4-0। भाई मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि 4-0 हो जाएगा स्कोर। क्रिस्टल पैलेस ने इनको पिछले सीज़न 4-0 से हरा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है भाई, जो मैं सोच ही नहीं सकता उससे उल्टा हुआ बिल्कुल। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम सोचेंगे, आज हम थोड़ा डबल साइड रहेंगे, आगे चलते हैं। तो मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर ना एम रैशफोर्ड एक प्लेयर है, और मार्कस रैशफोर्ड ने प्रीवियस मैच में गोल करके अपनी वापसी की, और पिछले मैच में बहुत ज़्यादा भाई एक्टिव दिखा ये खिलाड़ी। एक गोल के बाद भी शांत नहीं हुआ, 3 बार और ट्राई की थी बट तीनों में नाकाम रहा। नहीं तो इसके 68 तो छोड़ो, 100+ पॉइंट्स होने थे अगले इस मैच में, लेकिन क्या है कि भाई चलो गोल आ गया, वही बड़ी बात है। ज़िर्स्की की बात करें, देखिए भाई ज़िर्क्ज़ी अगर खेल रहा है तो मैं आपको लेने को ज़रूर कहूँगा। 2 बार से मैं देख रहा हूँ कि ये बंदे ने, जैसे 17 अगस्त को गोल किया, इस बंदे ने लिवरपूल के अगेंस्ट 2 बार गोल की कोशिश की, नाकाम रहा। 14 सितंबर को साउथहैम्पटन के अगेंस्ट 2 बार गोल करने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम रहा। लेकिन कब तक रहेगा भाई, मेरे को लगता है कि बहुत जल्द इन फॉर्म दिखेगा, क्योंकि ये उनमें से नहीं है, ये वीक खिलाड़ियों में से नहीं है, अच्छा है, लेकिन बस भगवान करे ये खेले। नहीं खेलेगा तो ऐसा है कि ऑप्शन तो बहुत है, ऑप्शन देखा जाए तो ई नकीतिया जो पहले आर्सेनल में था वो अब क्रिस्टल पैलेस में है, पहला गोल भी कर चुका है। मटेटा की बात करें, जे मटेटा इनका पुराना प्लेयर है, सो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो नकीतिया बनता है। और मिडफील्डिंग की बात करूँ तो ब्रूनो फर्नांडिस पिछले मैच में अनअवेलेबल था, 14 सितंबर के बाद एक मैच हुआ था इंग्लिश कबराव लीग का शायद, तो वहाँ पर तो ये नहीं था, बट अब खेलेगा। उसके बाद अगर बात करें गर्नाचो द ग्रेट इनफॉर्म प्लेयर भाई, उसके बाद सेस्मिरो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ज़िर्स्की को नहीं लिया है, सेस्मिरो को अभी लूँगा। लेकिन ज़िर्स्की को आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर लाइनअप्स, जब पता चल जाए वो खेल रहा है कि नहीं। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए भाई ई इज़ सेकेंड लास्ट सीजन से बहुत अच्छा कर रहा है, 2022 से लेके 2024 चल रहा है, ठीक है, और ये एक तरह तीसरा सीज़न है 22 से लेके अब तक। तो ऐसा है कि ईज़ बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गया, मतलब इवन हर मैच में कुछ ना कुछ गोल ऐसे दिखना एक बड़ी बात है। उसके बाद डियालो ट्रोर को मैं नहीं ले रहा, अभी नहीं ले रहा, ठीक है, और क्योंकि डियालो ट्रोर खेलेगा या फिर सेस्मिरो खेलेगा, तो आपको पता है एरिक्सन की भी वापसी हो गई है, आपको ये भी पता है पिछले मैच में 2 गोल भी किए थे, तो हमें सब कुछ भाई देखना है ना। कल को मैं एक प्लेयर के ऊपर जोर दे दूं और वो प्रॉब्लम हो जाए तो मैं वो चाहता नहीं, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल पैलेस की बात चल रही, देखिए भाई क्रिस्टल पैलेस के बहुत प्लेयर आपको दिखेंगे जिसमें से आप ईज़ को ले चुके हो, आप सिर्फ यहाँ से डी कमाडा को बढ़ा सकते हो अगर आपने एक्सटर्नल प्लेयर लेना है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर डिफेंडिंग सेक्शन में किसी को लेना है तो सिर्फ टी मिशेल, मिडफील्डिंग में किसी को लेना है देन डी कमाडा, तो अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं कमाडा को कहूँगा, ठीक है, बहुत सोच समझने के बाद। और डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो डियोगो डायलट के बाद एन मेजरोई को भेज तो रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत वाली घड़ी बांध दी ना इन्होंने, क्योंकि इन मेरे को लिसेंड्रो मार्टिनेज में छोड़ता नहीं, अब इन्होंने जान पूछ के एमडी लाइट से चौथी डिफेंडिंग करवा दी। पिछले मैच में मेरी जीत का कारण ये था, ये ना होता तो मैं जीत ना पाता, तो मेरे को वो सब चीज़ें याद हैं, तो मैं तो एक प्लेयर भाई छोड़ूंगा, सीधी बात है, मैं डे लाइट को तो ले रहा हूँ, लेकिन देखते हैं भाई मैं एन मजरोई को छोड़ता हूँ या एल मार्टिनेज, क्योंकि मजरोई तो बहुत वीक था, सीधी बात कर रहा हूँ भाई, मजरोई जिस लीग में पहले खेलता था वहाँ पर भी कोई इतना अव्वल दर्जे का प्लेयर थोड़ा ना था, ये बहुत छोटा साइन हुआ है इसका मैनचेस्टर यूनाइटेड में, छोटा ट्रांसफर है, सीधी बात है भाई। सो मैं मजरोई को छोड़ के इसको लूँगा। एंड गोलकीपिंग सेक्शन के अंदर डी हैंडरसन, पुराना प्लेयर तो नहीं है बट देखते हैं कितना एक्सपीरियंस है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा ब्रूनो फर्नांडिस, वाइस कैप्टन रैशफोर्ड की जगह गर्नाचो रख लो भाई, मैं तो इतना बड़ा रिस्क लेने में डरता हूँ, सीधी बात है भाई, फालतू रिस्क नहीं लेता भाई, रिस्क आप जितने मर्जी मेरे को दिलवा दो मैं शायद ना डरूं, लेकिन फालतू रिस्क में डर लगता है। जैसे रैशफोर्ड इनफॉर्म प्लेयर भी नहीं है, उसको वाइस कैप्टन रखना फिर बाद में प्रार्थना करना कि गोल आ जाए, जो कि हो ही नहीं सकता, इसलिए इस चीज़ को छोड़ दो। गर्नाचो तो अच्छा है, इनफॉर्म है, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।